अरे तुमको तो ये करना चाहिए कि लालची शास्त्री परिवार की बहू होने के लिए अधिकार मांगना चाहिए। कहे कि कानूनन तुम ही हर्ष बाबू की पत्नी हो, एक तो अपने पागल बेटा से इसकी शादी करवा दिए। माँ प्लीज, वो पागल नहीं। एक सेकेंड, और आप सुन लीजिए, जानकी को हम किसी हाल में अपने घर नहीं लेकर जा रहे। माँ नितिन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर ये आज यहाँ से चली गई ना, तो लोग इसको गलत समझेंगे, लोग यही कहेंगे कि हर्ष बाबू की दूसरी पत्नी है। और आप सुन लीजिए, अगर आप इसको घर लेकर गए तो देख लीजिए, इतनी शर्मिंदगी होगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। और कल को हमको नितिन का शादी वादी भी करना है, कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में देगा? जिस घर में शादी की हुई बेटी खुद मायके में आकर बैठी है। चुप करो आशा, कैसी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। हम गलत कुछ भी नहीं कह रहे हैं, अगर आप जानकी को लेकर गए आज यहाँ से, तो पूरा समाज, पूरा बिरादरी आपके मुंह पर थू थू करेगा, फिर क्या करेंगे आप? इसको इसी हाल में यहाँ ससुराल में रहना ही पड़ेगा, और शादीशुदा लड़की का बोझ कौन सहेगा अपने सीने पर? कोई नहीं, तुमको रहना ही पड़ेगा यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए पापा, मेरा तो ये मानना है कि अभी उस जानकी को हर्ष से नहीं मिलने देना चाहिए। अब देखिए ना, डॉक्टर ने भी कहा है कि हमें हर्ष के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। और पापा, जब आपने उस जानकी की शादी हर्ष से करवाई थी तो वो मेंटली स्टेबल नहीं था। आपको लगा वो उसका ध्यान रखेगी, ठीक रखेगी, वरना कहाँ ये जानकी और कहाँ हमारा हर्ष, दोनों का कोई मैच तो है नहीं। आपको नहीं लगता कि हमें हर्ष की दूसरी शादी के बारे में एक बार दोबारा सोचना चाहिए? मतलब हर्ष शास्त्री, आपको नहीं लगता कि उसकी वाइफ उसके स्टेटस की होनी चाहिए, हमारी फैमिली के स्टेटस की होनी चाहिए? देखिए पापा, मैं जानता हूं कि हर्ष बहुत अच्छा बेटा है आपका, आप जो कहेंगे वो मान लेगा, आप कहेंगे तो वो जानकी को एक्सेप्ट कर लेगा खुशी खुशी, लेकिन 5 साल बाद वो ठीक हुआ है। 5 साल बाद हमें हमारा पुराना हर्ष वापस मिला है, वही इंटेलिजेंट स्मार्ट हर्ष। आप चाहेंगे जानकी उससे मिले और फिर से हर्ष को कुछ हो जाए? मुझे तो नहीं लगता ये सही आइडिया है। बाकी आप सोच लीजिए पापा कि आपको क्या चाहिए, जानकी या आपका बेटा हर्ष। मुझे भाई मानती है तो फिर मुझे सच सच बताना कि वो लड़की कौन थी जो व्हील चेयर पे आई थी। आप क्या वो इधर उधर क्या देख रही है, मुझे बताना। भैया वो लड़की ना। हर्ष बेटा, ये वक्त नहीं है इन बातों का, अभी आराम करो। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मा मैं आराम करूंगा, पर जानने के बाद कि वो लड़की कौन है अभी आप भी नहीं बताओगे ना मुझे। हर्ष, वो लड़की तुम्हारी। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस लड़की को पहले से जानता हूँ? एक अजीब सा कनेक्शन है उस लड़की के साथ। वो कुछ नहीं लगती तुम्हारी। हर्ष बेटा, उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो। देखो, तुम्हारे अपने सब तुम्हारे साथ हैं। उनके बारे में सोचो। देखो, श्वेता है तुम्हारे पास, उसके बारे में सोचो। और अब ज्यादा बातें नहीं करनी, ठीक है? आराम करो। Hey, come on, श्वेता, give me your hand. Sorry. I know, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अपना खराब सूप दोबारा पिलाओगी? I mean, the best soup. तुम्हें अपनी जरा भी परवाह है कि नहीं है? ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा और तुम आराम करने की जगह इधर उधर घूम रही हो। सुन रही हो कि नहीं? आप जैसे बोल रही हैं पूरा पटना सुन रहा है मैडम। बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मैं ख्याल रखूंगा कि वो अपनी मेडिकेशन टाइम पर करें। अब 2 मिनट देंगे हम? ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये अपनी दवाइयां जरूर लें। जी जरूर। कंप्लेन कर रही है तुम्हारी, बोल रहे तुम हर्ष की तरह जिद्दी हो गई, ऐसा क्यों गुड़िया? अब सच में है क्या? अरे ये देखो, ये देखो, असल में तो हूँ। क्यों? क्या कहा आपने? गुड़िया? हाँ, तो और किस नाम से बुलाता हूँ तुम्हें? गुड़िया से तो बुलाता हूँ ना। हम आपको कभी नहीं भूल सकते हर्ष जी, मिला कब आप हमें भूल गए? भला मैं कैसे भूल सकता हूँ तुमको, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पर लेकिन मेरे पास एक चीज जरूर है जो तुम्हें मुझे भूलने नहीं देगी। दिखाऊं क्या? आंखें बंद करो। आंखें बंद करेंगे तो आप चले जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का। अब आंखें खोलो। ये जो चेरी बेरी है ये तुम्हें मुझे भूलने नहीं देगी, चाय में डिप करके खाएंगे। और तुम्हें सबसे पहले ये चेरी बेरी खाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी दवाई खा सको। सबसे पहले तुम मेरे हाथ से बिस्किट खाओ। क्या? ठीक है, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। जानकी, तुम्हें हर्ष को भूलना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई है, और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। सॉरी जानकी, तुमने क्या कुछ नहीं किया हर्ष के लिए, और बदले में तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मामा जी, हमने वही किया जो एक पत्नी का फर्ज होता है। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब क्या कहना चाहते पापा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानकी, तुम और तुम्हारा परिवार इस शादी से खुश नहीं थे, और तुम्हारे लिए तो हर्ष का होना ना होने के बराबर ही था। एक तरह से देखा जाए ना, तुम अकेले ही इस शादी को निभा रही थी। नहीं नहीं पापा जी, आप क्या बोल रहे हैं? हम दोनों ही इस रिश्ते को निभा रहे थे, हम और हर्ष जी मिलकर इस रिश्ते को निभा रहे थे। वो तुम्हारी मजबूरी थी, इसीलिए ये घर छोड़ के भाग गई थी तुम। जानकी, हम जानते हैं हमारे डर के कारण तुम हर्ष का साथ दे रही हो। पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हर्ष जी से। देखो जानकी, भले ही तुम्हारी और हर्ष की शादी हो चुकी है, सच तो यह है कि तुम उसकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक केयर टेकर हो और कुछ नहीं। और अब हर्ष को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वो तुम्हें जानता है, इसलिए हम चाहते हैं तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। जानकी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार की हर जरूरत का ध्यान हम रखेंगे, एक अच्छी सी नौकरी दिलवाएंगे तुम्हें, नितिन की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, इन शॉर्ट परिवार का हर खर्चा हम उठाएंगे। बदले में तुम्हें डिवोर्स पेपर्स साइन करने पड़ेंगे।
पापा जी आई एम सॉरी जानकी, ये एक रास्ता बचा हुआ है, इसी में हम सब की भलाई है। यही एक रास्ता है। नहीं नहीं एस जानकी पापा जी मुझे से अंडरस्टैंड गॉड ब्लेस। I'm so sorry, sir. Oh. I'm so sorry, sir. It's okay. Sir, वैसे आप बहुत लकी हैं जो आपकी जान बच गई। मतलब? सर, आपकी फैमिली ने आपको बताया नहीं? नहीं, क्यों? सर, आपकी किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा, लेकिन आपकी फैमिली में से किसी का मैच नहीं हुआ। तब उस लड़की ने आपको अपनी किडनी देकर बचाया। वो जो मेरे रूम में आई थी व्हीलचेयर पे? जी सर, वो अभी 304 में है। शी इज अ ब्रेव गर्ल सर। Again, sorry, sir. Not at all. Sister, आप मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हैं? Of course, sir. क्यों नहीं? मैं अभी आपके लिए व्हीलचेयर लेकर आती हूँ. Thank you. Sir, just one request. आप अपनी फैमिली को मत बताइएगा कि ये बात मैंने आपको बताई है. मेरी नौकरी का सवाल है. Don't worry about that. I'll get a wheelchair for you. ये तेरी हार नहीं जानकी, ये तेरी जीत है जानकी। तेरी ही तपस्या के कारण आज हर्ष ठीक हुआ है, और देखना वो एक दिन जरूर तेरे पास आएगा। तुमने ही मांगा था ना कि हर्ष ठीक हो जाए, और देखो भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी, ठीक हो गया। ये तुम्हारी जीत है जानकी। इसी जीत का क्या फायदा? क्या जी हमें ही भूल गए? वो अब हमसे प्यार नहीं करते रंगीली जी, वो श्वेता से प्यार करते। घर वाले भी चाहते कि हम आशी की जिंदगी से चले जाएं। कोई कुछ भी चाहे, तुम क्या चाहती हो जानकी, ये बताओ। राजेश, जानकी और हर्ष के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाओ। जानकी अब हमारे साथ नहीं रहेगी। हमें हर्ष चाहिए, जानकी नहीं। अरे माँ, पापा एकदम ठीक कह रहे हैं माँ। ठीक है, मैं करवाता हूँ, जल्दी। ठीक है। अब क्या चाहती, इससे अब क्या फर्क पड़ता है? जानकी, एक बात याद रखना, आज हर्ष भले ही ठीक हो चुका है, लेकिन उसका एक्सीडेंट करवाने वाला आज भी खुलेआम घूम रहा है। जरा सोचो, ध्यान दो, वो आदमी एक बार एक्सीडेंट करवा चुका है, तो क्या वो दोबारा नहीं करवा पाएगा? मेरी बात का ध्यान रखना। फिलहाल तो हम एक ही चीज चाहते हैं, एक बार, सिर्फ एक बार हर्ष हमारे पास आ जाए, खुद से हमसे मिलने आ जाए।
जानकी जी, मैं वैसे बिना बताए आपके रूम में आ गया, आपसे मिलना चाहता था तो सोचा आ जाऊं। आप जब रूम में आई तो मुझे पता नहीं था। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमसे खुद से मिलने आए हैं। तो क्यों, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? बस विश्वास नहीं हो रहा कि आप खुद से हमसे मिलने आए हैं। सॉरी, मैं आपको पहले मिलने नहीं आ पाया, मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं था। मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता था। आपकी सर्जरी हुई है, आपको रेस्ट की जरूरत है, तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं नहीं। थैंक यू, पर अब हम बिल्कुल ठीक है। आपको याद आ गया कि हम कौन है? आप जब रूम में आई थी तब मुझे याद नहीं था, लेकिन अब याद आ गया। याद आ गया आपको? हाँ, वो जो नर्स मुझे जो यहाँ पर लेकर आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि खैर, आई मीन टू से कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बाद में पता चला। क्या पता चला? वो जो नर्स थी उन्होंने मुझे बताया कि आपने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई है। आपने जो किया है ना, आपको मालूम नहीं आपने क्या किया है। मतलब आज के टाइम में कोई अपना भी अपने का साथ नहीं देता। आपने तो किसी पराए को अपनी किडनी दे दी, उसकी जान बचा ली, आपने मेरी जान बचाई। जानकी जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। या जो आपने किया है वो, उसके बदले में ना मैं थैंक यू बोलकर मैं आपके त्याग को, आपके सेक्रीफाइस को मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसलिए आके आपको मिलना चाहता था, आपको एक बार देखना चाहता था कि आप ठीक हैं। मैं, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी। थैंक यू हर्ष जी, आप हमसे मिलने आ गए। पर मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा। जो आपने किया है ना, वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत बड़ा है। मैं अगर आपके कभी भी कोई काम आ सकूं ना, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। किसी भी रूप में मैं आपकी मदद कर सकूं, आपके कोई काम आ सकूं, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूं। अब रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपको बहुत सारी खुशियां मिले। मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं इस वक्त। ये लाया था आपके लिए, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल ये देख के जा रहा हूं। चलता हूं। नर्स को बुलाते नहीं मुझे, इससे पहले कोई आ जाए मुझे तो जाना पड़ेगा। आपको चाहिए? मैं अपना ध्यान रखिए। अभी थैंक यू, मैं चलता हूँ।
गुड़िया मेरा बिस्किट डूब गया। तो कोई बात नहीं आप पर ये तो झूठी है, दूसरी ले ले। कोई बात नहीं गुड़िया, तुम्हारा झूठा मैं कह सकता हूँ, तुम्हारा झूठा कहूंगा ना मेरा प्यार और बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे कभी बड़ा नहीं होना गुड़िया, मुझे कभी तुमसे दूर नहीं होना गुड़िया। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।